क्या लोकसभा में घट जाएगी बीजेपी की संख्या? क्या बजट सत्र से पहले बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका? पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका लग सकता है क्योंकि टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं बीजेपी के दो सांसद। ऐसा हम नहीं कह रहे, टीएमसी के नेताओं का यह दावा है कि बीजेपी के बड़े सांसद, बंगाल के सांसद टीएमसी के पक्ष में हैं, या यूं कहें कि टीएमसी के संपर्क में हैं। बीजेपी के दो सांसदों ने टीएमसी में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क किया है, यह दावा किया जा रहा है टीएमसी नेताओं की तरफ से। इसके साथ ही खबर यह भी है कि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, उसे गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। पश्चिम बंगाल में भी पार्टी को पिछले चुनाव से कम सीटें मिली। राज्य में बीजेपी के 12 सांसद चुनकर आए हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के एक दावे ने बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने यह दावा किया कि बीजेपी के दो सांसद टीएमसी में शामिल होंगे, उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि दोनों सांसदों ने 21 जुलाई को शहीद दिवस समारोह के दौरान टीएमसी में शामिल होने की रुचि दिखाई। हालांकि कुणाल घोष ने दोनों का नाम उजागर फिलहाल नहीं किया है। वहीं कुणाल घोष के इस दावे को लेकर बीजेपी भी थोड़ी सी संजीदा है, उसे हल्के में नहीं ले रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुणाल घोष अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आपको बता दें, कुणाल घोष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स से, संवाददाताओं से बातचीत करते हुए दावा किया कि बीजेपी के दो सांसदों ने टीएमसी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है, हमसे संपर्क किया है। दोनों सांसद हाल ही के लोकसभा चुनाव में चुने गए हैं और उनकी पार्टी के 12 सांसदों में से एक हैं। वो ममता बनर्जी के तहत काम करना चाहते हैं और 21 जुलाई के कार्यक्रम के दौरान शामिल होने का इरादा भी रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल इन सांसदों की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। सांसदों की पहचान के बारे में बात करते हुए कुणाल घोष ने दावा किया कि इन सांसदों की पहचान इस समय उजागर नहीं होगी। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सभी पहलुओं पर विचार करके अंतिम निर्णय लेंगे। कुणाल घोष खूब चर्चा में है। उन्होंने उल्लेख किया कि टीएमसी नेतृत्व ने उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत आने से बचने के लिए कुछ समय इंतजार करने की सलाह दी है। कुणाल घोष के ये दावे बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा रहे हैं। कुणाल घोष के दावे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को तूल नहीं देना है, कुणाल घोष के बयान कभी गंभीरता से नहीं लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि 21 जुलाई तक इंतजार करें, हमने पहले भी घोष जैसे नेताओं के ऐसे दावे देखे थे, अब वो प्रचार के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, उनके इस तरह के बयानों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मजूमदार ने प्रतिक्रिया दी, लाजमी भी है, 12 सीटें वहां पर आई हैं और दो अगर सांसद चले जाते हैं तो बंगाल में 10 सांसद रह जाएंगे। कुणाल घोष के दावे में कितनी सच्चाई है तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ, कुणाल घोष से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने भी ये बात कही थी। पश्चिम बंगाल के 3 बीजेपी सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं। साकेत गोखले ने दावा किया था कि संसद में बीजेपी के सांसदों की संख्या जल्दी घट जाएगी, 237 रह जाएगी। टीएमसी नेता ने कहा था कि पीएम मोदी का अजीब गठबंधन एक अस्थायी ढांचा है जो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। साकेत गोखले ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि अभी लोकसभा में बीजेपी का संख्या बल 240 है और इंडी अलायंस का 237। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं, जल्द ही एक सुखद आश्चर्य होगा, उसके बाद बीजेपी की संख्या घटकर 237 हो जाएगी, जबकि इंडी गठबंधन के सांसदों की संख्या बढ़कर 240 हो जाएगी। ये पूरी लाइन बाकायदा उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर लिखी थी। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी का गठबंधन टिकाऊ नहीं है, यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये खबर भी हमने आपको बताई थी। साकेत गोखले के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि तृणमूल दिन में ही सपने देखती है। उन्होंने कहा कि 2014 से तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण ताकत बनने के दिन में ही सपने देखती है, लेकिन एक बार फिर उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। बीजेपी और एनडीए एकजुट है, बंगाल से बीजेपी का कोई सांसद तृणमूल में नहीं जा रहा है। दोनों ही खेमों से दावे हो रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है टीएमसी के नेताओं की तरफ से कि बहुत सारे बीजेपी के सांसद जो हैं संपर्क में हैं, इसके पहले 3 कहा गया था, अब 2 कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है उसमें वो मजबूती के साथ अपनी इस बात को रख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 6 सीटों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा पिछले साल की तुलना में। पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार 12 ही सीटें उसके हिस्से आईं। लोकसभा चुनाव में भी टीएमसी ने राज्य में शानदार प्रदर्शन करते हुए 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी।
साथ ही हाल ही में बंगाल में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी टीएमसी ने जीत दर्ज की। आपको बता दें लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली है और वो फिलहाल टीडीपी जेडीयू जैसे कई दलों के साथ मिलकर केंद्र में गठबंधन सरकार चला रही है। ऐसे में यदि उसके 3 सांसद भी पाला बदल लेते हैं तो यह बड़ी बात होगी। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी, यानी जादुई आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी, लेकिन एनडीए के सहयोग से 293 का आंकड़ा जरूर हासिल किया गया। टीडीपी और जेडीयू, आप सब जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के सहयोग से ही, कई और छोटे दलों के सहयोग से ही गठबंधन की सरकार बनी। ऐसे में यदि एक भी प्रदेश का सांसद इधर से उधर होता है, पाला बदलता है, तो निश्चित तौर पर संख्या बल के लिहाज से थोड़ी परेशानी तो होगी ही पार्टी को। इधर कांग्रेस की भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, या यूं कहें कि रिमाइंड करा दें, कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इंडी गठबंधन 234 सीटों के साथ लोकसभा के चुनाव में मजबूत स्थिति में नजर आया। चुनाव के बाद 2 विजेता निर्दलीय उम्मीदवार थे जो कि कांग्रेस को समर्थन देते हुए दिखाई पड़े। विपक्षी गठबंधन की संख्या फिलहाल 236 की है, इसलिए भी एक एक सांसद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीएमसी नेता का यह दावा इस तरह का दिखाई पड़ता है तो वाकई में थोड़ी टेंशन तो बीजेपी को जरूर होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।